प्यासा कौवा। एक जंगल में एक कौवा रहता था। गर्मी के दिनों में पानी की कमी से पानी की तलाश में कौवा जंगल से उड़ता हुआ शहर में आया। वो घरों के ऊपर से उड़ रहा था। वो पीने के लिए पानी ढूंढ रहा था। एक घर के छत पर उसे घड़े के अंदर पानी दिखा। पानी पीने की आशा से वो छत पर उतरा और घड़े के पास चला गया। उसने जैसे ही घड़े के अंदर झांक कर देखा तो उसे घड़े के तली में थोड़ा सा पानी दिखाई दिया। पानी कम था लेकिन थोड़ा सा तो पानी दिखा। ये देखकर कौवा खुश हुआ। घड़े पर बैठकर उसने पानी पीने के लिए अपनी चोंच घड़े के अंदर डाली, लेकिन उसकी चोंच पानी तक पहुंच नहीं रही थी। कौवे ने इधर उधर देखा, उसे छत पर कुछ छोटे कंकड़ पत्थर दिखे। उसे वो पत्थर के छोटे टुकड़े देख उसे युक्ति सूझी। वो उठकर पत्थरों के पास चला गया और उसने कुछ पत्थर अपने चोंच में पकड़कर घड़े के अंदर डालते रहा। और धीरे धीरे जैसे कौवा एक एक पत्थर का टुकड़ा पानी में डालने लगा, वैसे वैसे घड़े के तली का पानी ऊपर आने लगा। उसने आशा छोड़ी नहीं, वो घड़े में पत्थर डालते रहा और कुछ देर बाद घड़े के तली का पानी कौवे के चोंच तक पहुंचा। जैसे ही पानी घड़े के ऊपर तक आया, कौवे ने पानी पिया और अपनी प्यास मिटाई। कौवा पानी पी के खुश हुआ। प्यास बुझाकर कौवा आकाश में उड़ गया। तात्पर्य, एक, जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल जाती है। दो, हर बार चीज़ें हमारे हिसाब से हमारे सामने नहीं आती, हमें चीज़ों को हमारे जैसा बनाना पड़ता है।